इट इज ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल और ये जो आपके लिखने का तरीका है यह डिपार्चर है मार्क्ड डिपार्चर स्पष्ट से स्पष्ट रूप से ये बदलाव है डिपार्चर मतलब अलग होना टू तो डिपार्ट मतलब जाना मिस्टर सो एंड सो हैज डिपार्टेड फ्रॉम माय हाउस द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम रेलवे स्टेशन एट थ्री ट्वेंटी डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन इज फाइव थर्टी अराइवल टाइम ऑफ द प्लेन इज टू ओ क्लॉक डिपार्चर टाइम ऑफ द प्लेन इज टू थर्टी डिपार्चर बना तो इट इज इन मार्ग डिपार्चर मार्ग मतलब जिसे देखा जा सके चिन्हित किया जा सके ऐसा आपका बदलाव है आपकी राइटिंग में जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से अलग है जो लोग लगातार अकेडमिक तरीके से लिखते हैं विद्वत्तापूर्ण तरीके से लिखते हैं उससे अलग है विच इज इन वेरिएबली डी पर्सनलाइज एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग और ऐसे वाले जो लेख होते हैं वो इनवेरिएबली मतलब जब तब इनवेरिएबली मतलब जब तब इनवेरिएबली ही कम्स टू माई हाउस जब तब वो मेरे घर आता है इन विंटर देर इज इन वेरिएबली रेंज ऑल्सो ठंड में जब तब बरसात भी हो जाती है सो so, इनवेरिएबली मतलब जब तब तो आपकी जो राइटिंग है जिसमें विनोद है प्लेफुल है जिसमें पर्सनल क्वालिटी आपकी दिखाई देती है वो अलग है वो स्कॉलरली राइटिंग से अलग है स्कॉलरली राइटिंग मतलब विद्वत्ता से भरे पूर्व लेख जो हमेशा ड्राई रहते हैं सुरूखे सूखे रहते हैं जो बोरिंग रहते हैं, पढ़ने में मजा नहीं आता रुचि नहीं रहती जब तब पर्सनलाइज अपने व्यक्तित्व से अलग रहते हैं उसमें कोई तालमेल नहीं दिखता लेखक और उसकी रचना में तालमेल नहीं दिखता लेकिन आपकी रचना में तालमेल बहुत है संबंध बहुत दिखता है आपका व्यक्तित्व जो है मजाकिया शैली जो है वो आपके लेखों में दिखाई देती है आपके जो अपने गुणवत्ता गुण हैं वो सब उसमें दिखाई देता है अनलाइक स्कॉलरली वर्क रेगुलर एकेडमिक वर्क विच इज इनवेरिएबली डिपर्टिलाइज बोरिंग डल हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच मुकुंद ऐसा कहने के बाद कहते हैं कि क्या आपने कॉन्शियसली ये आ, इनफॉर्मल अप्रोच को अडॉप्ट किया है टू अडॉप्ट मतलब लेना क्या आपने ये टू अडॉप्ट मतलब लेना कॉन्शसली मतलब सजगता जानबूझकर कर क्या आपने ऐसा तरीका इनफॉर्मल अप्रोच मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट इनफॉर्मल मतलब कैजुअल तरीके से हल्के फुलके तरीके तो क्या मुकुंद पूछते हैं कि क्या आपने ये जो तरीका है आपका जिसमें प्लेफुल दिखते हो जिसमें आप पर्सनल क्वालिटीज़ में आपकी दिखाई देती है ये तरीका क्या आपने अख्तियार किया है सोच समझ कर अख्तियार किया है कॉन्शियसली उसको लिया है या ये अपने आप आ गया और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू नेचुरल मतलब प्रकृति प्राकृतिक तरीके से अपने आप आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा कैसा तरीका प्लेफुल तरीके से लिखने का अपने गुणों को उसमें दिखाने का हल्का फुल्का तरीके से लिखने का विद्वत्तापूर्ण उसमें जो लोग भरते हैं ऐसा नहीं अपने को कनेक्ट करने का यह जो शैली है ये आपने जानबूझकर अपनाई है या ये आपकी प्रकृति में है अपने आप आ गया हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू नेचुरली मतलब अपने आप प्राकृतिक तरीके से अनकॉन्शियसली इसका जवाब एम्बर्टोई को क्या देते हैं वेन आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ वैन आई प्रजेंटेड माई फॉर डॉक्टोरल डिजर्टेशन देखिए डेजर्टेशन मतलब एक बहुत बड़ा लेख रनिंग इन टू हंड्रेड ऑफ पेजेस एक बहुत बड़ा आर्टिकल उसको डेजर्टेशन कहते हैं किसी एक विषय पर आर्टिकल बहुत लंबा कई पचास साठ सौ पेजों तक जो चलता है उसे डेजर्टेशन कहते हैं और पीएचडी करने के पहले डॉक्टर डॉक्टरल डिजर्टेशन मतलब पीएचडी या डी लिट के लिए पीएचडी क्या होता है पीएचडी की स्पेलिंग देखिए डॉक्टर ऑफ फिलासॉफी और डी लिट की स्पेलिंग देखिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ये बिंदी कहाँ लगा है? इसको देख लेंगे कौन सा लेटर बिग है कौन सा स्मॉल है ये भी समझ लें इसमें हम बहुत कॉमन गलती करते हैं इसको कहते हैं डॉक्टरल वर्क लोग पीएचडी करते हैं ना और पीएचडी करने के बाद डॉक्टर कहलाते हैं मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं आ, 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 ज्ञान में डॉक्टर विद्वत्ता में डॉक्टर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी में डॉक्टर तो यहाँ पे मुकंद के सवाल पर अम्बरटो कहते हैं कि जब मैंने अपनी डॉक्टरल डिजर्टेशन इटली में जब मैंने जमा की प्रेजेंट करना जमा करना तो वन ऑफ माय प्रोफेसर सेड तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा कि स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टन सब्सटेंस स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टन सब्जेक्ट देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस जो ऐसा कोर्स करते हैं पीएचडी करते हैं पीएचडी करने वालों को स्कॉलर कहते हैं याद रखेंगे वैसे तो स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है पर इस पैराग्राफ में स्कॉलर का मतलब है वह विद्यार्थी जो पीएचडी कर रहा है द स्टूडेंट हु इज डूइंग पीएचडी राइटिंग डिसर्टेशन डिसर्टेशन की स्पेलिंग भी देखेंगे डी आई एस डबल एस है डी डबल एस नहीं सो हिज प्रोफेसर सेड कि जो रिसर्च करते हैं जो लोग पीएचडी करते हैं स्कॉलर्स वो पहले बहुत ज्ञान लेते हैं दे लर्न दे फर्स्ट लर्न ए लॉट ऑफ ए लॉट अबाउट ए सब्जेक्ट ज्ञान पाने के बाद वो एक कल्पनातीत एक थ्योरी बनाते हैं कल्पनाशील थ्योरी जिसमें कल्पना की उड़ान रहती है मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस और वो कल्पना है फॉल्स झूठी कल्पनाएं, गलत कल्पनाएं है करते हैं उसके बाद देन दे करेक्ट देम उसके बाद वो गलत कल्पनाओं में सुधार करते हैं और अंत में वो निष्कर्ष निकालते हैं ये कौन करता है पीएचडी करने वाले स्कॉलर्स करते हैं और ये बात कौन कह रहा है ओम्बार्टो के वो प्रोफेसर कह रहे हैं जिनको ओम्बार्टो ने अपने पीएचडी की डिजर्टेशन दिया था तो वो कहते हैं कि सामान्यतया जो लोग पीएचडी करते हैं वो पहले खूब पढ़ते हैं पढ़ने के बाद फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं हाइपोथेसिस मतलब कल्पना करना बड़ी झूठी कल्पनाएं गलत गलत कल्पनाएं है बनाते हैं उसके बाद उन कल्पनाओं में सुधार करते हैं दे करेक्ट देम एंड इन एंड और जब ये सब करने के बाद फिर वो निष्कर्ष पे आते हैं उसको सही करते हैं फिर और एक तुम हो यू ऑन द अदर हैंड यू ऑन द कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा विरोध में उल्टा यू ऑन द कॉन्ट्रैरी और एक तुम हो जो बिल्कुल उल्टा कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो तुमने अपने रिसर्च की अपने डेजर्टेशन की पूरी कहानी बनाई और उसमें अपनी गलतियां अपनी खामियों को भी सुना दिया At the same time, you recognize the theory. In other words, he says that unlike scholars, unlike other scholars who do what I told earlier, you are writing a story right in the beginning. टेलिंग द स्टोरी इंक्लूडिंग द मिस्टेक्स इंक्लूडिंग द एर एंड द ट्रायल ट्रायल मतलब प्रयोग एरर मनी मिस्टेक उसमें जो भी गलतियां तुमसे हुई थी उसको भी तुम उसमें डिस्क्राइब कर देते हो ये अम्बर्टो बता रहे हैं अपने प्रोफेसर के बारे में और फिर कहते हैं प्रोफेसर ने ऐसा तो कहा लेकिन उसके साथ ही उसने मेरी बात को सही माना एट द सेम टाइम हे रिकगनाइज मेरी बात को सही माना हे रिकगनाइज आई वॉज राइट मैं सही था उसने मेरी बात को सही माना एंड आई वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिजर्टेशन एज ए बुक उसने सही माना मेरी बात को अर्थात जिस तरीके से मैंने लिखा था वो सही था प्रणाम स्वरूप इसके बाद मैंने उस डेजर्टेशन को जो कई सौ पेज में थी उसको एक किताब का रूप दिया और इसका मतलब कि प्रोफेसर साहब ने मेरे किताब की बहुत प्रशंसा की टू अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना टू अप्रिशिएट मतलब बढ़ना कीमत बढ़ रही है प्राइसेस आर अप्रिशिएटिंग और आई अप्रिशिएट यू मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं माई प्रिंसिपल एप्रिशिएटेड माई सन्स एफर्ट मेरे प्राचार्य ने बच्चे की प्रशंसा की माई प्रिंसिपल एप्रीशिएटेड माई एफर्ट मेरे प्राचार्य ने मेरे प्रयास की प्रशंसा की सो एट द सेम टाइम माई प्रोफेसर रिकग्नाइज आई वॉज राइट इसका मतलब उसने मेरी बात को सही माना एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डेजरटेशन और मेरे इस डिसर्टेशन को उसने किताब के रूप में छपाया इसका मतलब क्या इसका मतलब उसने इसकी प्रशंसा की इसका मतलब उसने इस तरीके को सही माना एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू उस समय जब मैं केवल बाईस साल का था ये जो घटना हुई थी जब मैं डिसर्टेशन दे रहा था उस समय मेरी उम्र 22 साल थी एट दैट ऑफ 22 टू आई स्कॉलरली बुक शुड बी रिटर्न समय मैं समझ गया जब मैं डिसर्टेशन दे रहा था और मेरे प्रोफेसर साहब ने प्रशंसा की तो मैं समझ गया कि जो स्कॉलरली किताबें भी हैं उसे वैसे ही लिखना चाहिए जैसे मैं लिखता हूं अर्थात डल ना हो बोरिंग ना हो उसमें थोड़ा विनोद हो प्लेफुल हो उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो उसमें थोड़ा पर्सनल टच भी हो आदि बी दफ़ द रिसर्च जो मैंने किया है जो भी मैं किया उसको कहानी के रूप में बताना ही सबसे अच्छा तरीका है स्कॉलरली बुक लिखने का विद्व, विद्वत्ता से भरी हुई किताबें लिखने का पढ़ाई लिखाई से संबंधित किताबें लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं एक कहानी के रूप में अपने रिसर्च को लिखूँ दिस इज़ वाई और इसीलिए मेरे जो निबंध हैं उसमें हमेशा एक नैरेटिव रहता है एक नैरेटिव आज जिसमें वर्णनात्मक कथात्मक तरीके से मैं लिखता हूँ नैरेटिव मतलब कथात्मक एक कहानी की तरह मैं लिखता हूँ इसीलिए बाय दिस दिस इज वाई माय एसेज मेरे निबंध भी जो हैं वो एक कथात्मक शैली में हैं आप लोग हम लोग जो सामान्य निबंध पढ़ते हैं वो बड़े डल रहते हैं नीरस रहते हैं यहाँ पर अम्बर्टो जो निबंध लिखते हैं वे नीरस नहीं रहते क्यों क्योंकि उसमें एक कथानक होता है उसमें कहानी होती है और उस कहानी के जरिए वो निबंध विषय को उस निबंध में पिरो देते हैं एंड दैट्स वाई आई प्रॉब्ली स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव नॉवेल सो लेट एट द एज ऑफ फिफ्टी और इसीलिए शायद चूंकि मेरे को बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि कहानियों को नैरेटिव जैसे लिखना है मैंने कहानियां लिखना बहुत बाद में शुरू किया एंड दैट इज वाई और इसीलिए एंड दैट इज़ वाई और इसीलिए प्रॉबेबली यानी संभवतः आई स्टार्टेड राइटिंग नेरेटिव्स मैंने कथानक रूप में कथा के रूप में नॉवेल्स लिखना बहुत लेट शुरू हुआ आपको मैंने बताया उन्होंने एक जो पुस्तक लिखी उन्नीस सौ अस्सी में बहुत बाद में लिखी जिसके कारण वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए टेन मिलियन कॉपीज़ बिकी I started writing of 50. Novel लिखना मैंने पचास की उम्र में शुरू किया आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोल एंड इतना कहने के बाद अम्बर्टो फिर मुकुंद को कहते हैं कि मैंने उपन्यास क्यों लेट शुरू किया अब ये समझ में आ गया ना मैं एक और बात बताता हूं मुझे याद आता है कि मेरे जो एक बहुत क्लोज मित्र थे रॉल एंड बारथिस वो हमेशा बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे फ्रस्ट्रेटेड रहना मतलब आ, बहुत तनाव में रहना खिन्न रहना इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहते थे कि वो एक निबंधकार थे एक उपन्यासकार नहीं थे वो निबंध लिखते थे उपन्यास नहीं लिख पाते थे ही वॉज एन ऐसे ऐसे की स्पेलिंग देखिए ऐसे मतलब निबंधकार निबंध लिखने वाला ही वॉज एन एस एंड नॉट ए नोवेलिस्ट उसके कारण नो बड़े से खिन्न रहते थे परेशान रहते थे चिड़ते थे गुस्सा करते थे फ्रस्ट्रेटेड ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और दर बट ही डाइड वो चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ लिखू कहानी जैसा जिसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं मूल ओरिजिनल राइटिंग कहते हैं विद्वत्ता वाला नहीं लेकिन दुर्भाग्य से बेचारा ऐसा कर नहीं पाया और इससे पहले कि वो लिखते हो स्वर्गस्थ हो गया डेथ हो गई ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग लाइक द वे आई एम डूइंग फिक्शन स्टोरीज चिल्ड्रंस बुक एट्सेट्रा वन डे और द अदर किसी ना किसी दिन वो लिखना चाहते थे बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैं कभी भी ऐसा फ्रस्ट्रेशन फील नहीं किया आई स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट का मतलब क्या है एक्सीडेंट के बाद मैंने नॉवेल लिखना शुरू किया नहीं बाय एक्सीडेंट मतलब अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे मेरी लिखनी शुरू हो गया सो आई स्टार्ट राइटिंग नॉवेल बाय एक्सीडेंट कोई मेरी योजना नहीं थी इसके लिए कोई मैंने प्रयास नहीं किया था इसके लिए ना मेरे कोई मैंने शिक्षा ली थी या इसके लिए किसी से ट्रेनिंग ली हुआ था कुछ भी नहीं था अचानक एक दिन लिखने बैठा और लो कहानी शुरू हो गई उपन्यास लिख दिया आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल बाय एक्सीडेंट आई हैड नथिंग टू डू इन दिस वे एक दिन लिखने बैठा और लो कहानी शुरू हो गई उपन्यास लिख दिया आई स्टार्टेड राइटिंग एक्सीडेंट आई हैड दिस वे अम्बर्टो आगे कहते हैं कि एक और मेरा मित्र रोला बारथेस था जो कुंठित हो गया था क्योंकि वो स्वयं निबंधकार था नॉवल लिखने की बड़ी तमन्ना रखता था क्रिएटिव राइटिंग लिखने की बड़ी इच्छा रखता था और नहीं कर पा रहा था और कुंठित हो गया था इतना कि संभवता वो उसी कारण गुजर भी गया और एक और मैं हूँ ही अदर हैं आई एम राइटिंग बाय एक्सीडेंट, संयोग से बाय एक्सीडेंट मतलब यहाँ पे संयोग मैं तुमसे एक्सीडेंट में रेलवे स्टेशन में मिल गया एक्सीडेंटली मिल गया मतलब संयोग से मिल गया सो दैट आई एम राइटिंग नॉवेल बाय एक्सीडेंट नॉट बाय चॉइस कोई मेरी पहले से तैयारी या योजना नहीं थी इट शो हैपन वन डे आई वॉज फ्री सो आई स्टार्टेड राइटिंग ऐसा हुआ कि एक दिन मैं खाली था मैंने लिखना शुरू कर दिया नावल्स प्रॉब्ली सैटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन और वो आगे कहते हैं कि शायद ये जो नावल्स हैं ये मेरे जो वृत्तांत या विवरण देने का जो मेरा रुचि है टेस्ट फॉर नरेशन नरेशन करना मतलब विवरण करना विस्तार से बताना किसी कहानी में विस्तार ही तो रहता है उसको विस्तार से बताना टेस्ट यानी स्वाद शौक़ रुचि मेरे जो विस्तार से बताने की जो मेरी रुचि है मेरा झुकाव है उसको ये नोवेल पूरा करते हैं संतुष्ट करते हैं और इसीलिए शायद मैं नोवेल लिखना शुरू कर दिया मुकुंद हेयरिंग ऑल दिस मुकुंद पद्मनाभन द इंटरव्यूअर हेयरिंग ऑल दिस इज टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग ए स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज नॉवेल की यदि बात करें टॉकिंग अबाउट नॉवेल मीन्स नॉवल की यदि बात करें तो एक विद्वान प्रसिद्ध विद्वान आप तो थे और उसके बाद फिर आप बाद में एक बहुत शानदार उपन्यास के बहुत प्रसिद्ध राइटर बन गए यू आर राइटिंग फाइव नॉवेल्स यू हैव रिटन फाइव नॉवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स आपने शायद पांच एक नोवेल लिखे हैं और जहाँ तक विद्वत्ता से भरे हुए काम हैं आपके नॉन फिक्शनल कहानियों वाले नहीं विद्वत्ता से शिक्षा पूर्ण बातों से जुड़ी हुई जो आपकी पुस्तकें हैं आ, वो तो बहुत ज़्यादा हैं स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन स्कॉलरली विद्वत्ता से भरे हुए नॉन फिक्शन अकथानक गैर कथानक शायद आपने बीस से ज्यादा किताबें है। I'm no, लिखी हैं एटलीस्ट मोर देन ट्वेंटी ऑफ देम यू रिटर्न इमीजिएटली अम्बर टू एक रिप्लाई नो ओवर फोर्टी मैंने चालीस से ज्यादा लिखी हैं। मतलब नॉवेल तो मैंने चार ही पांच लिखे लेकिन जो नॉन नॉवेल बिना कहानियों वाली जो सीरियस बुक्स हैं वो मैंने 40 से ऊपर लिख ली हैं ऑन दिस मुकुंद सेज ओवर 40 यू हैव रिटन मोर देन 40 बुक्स एंड अमंग देम इज सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स और इसमें एक बहुत ओरिजिनल आपने किताब लिखी है आ, की विज्ञान पर या जिसे हम कहते हैं चिन्ह विज्ञान पर प्रतीक विज्ञान पर सेमियोटिक्स मैंने आपको बताया था चिन्ह विज्ञान साइन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू साइंस तो सिमियाटिक्स पे तो आपने बहुत ओरिजिनल किताब, लिखे, किताब लिखी, है, लिखी है चालीस किताबें यहाँ लिखनी है लिखी हैं और इसमें एक तो ओरिजिनल बुक है लेकिन बट आस् मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो एंड दे विल से ओह ही इज द नावेल इतना सब करने के बाद यदि मैं किसी को बोलूँ कि अम्बर्टो के बारे में या किसी से पूछूं तो वो कहेंगे अच्छा उस अम्बर्टो के बारे में जो उपन्यास लिखते हैं does that bother you? कहता है अम्बर्टो से पूछता है कि क्या आपको नॉवेलिस्ट के नाम से जो ज्यादा जानने लगे हैं उससे आप परेशान होते हैं क्या उससे आपको अच्छा नहीं लगता अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि नॉवेल तो आपने पांच लिखे हैं और आपकी तो असली प्रसिद्धि इन सब किताबों से आई है जो कहानियों नोवेल से बहुत दूर हैं बहुत सीरियस रीडिंग है सिमियाटिक्स पे है लाक्षणकी पर है मध्यकालीन इतिहास पर है उस पर लिखी गई किताबों के लिए आप बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ किसी से पूछो तो बोलते हैं अच्छा उन अम्बर्टो की बात कर रहे हैं जो नावलिस्ट हैं क्या इससे आप परेशान होते हैं मिस्टर अम्बर्टो अम्बर्टो से यस 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 बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हाँ मैं परेशान तो होता हूँ थोड़ी चिड़ तो होती है क्योंकि मैं अपने को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ हु वॉन्ट्स नावल्स हु राइट नावल्स ऑन संड जो ऐसा प्रोफेसर जो उपन्यास केवल रविवार को लिखता है आपको याद होगा इस कहानी की इस इंटरव्यू नाम के लेख की शुरुआत में मैंने एक लाइन पढ़ी थी I write novels only on Sundays, Professor Umberto. ये लाइन यहाँ पे आती है जब वो कहते हैं कि मैं अपने को प्रोफेसर ही मानता हूँ प्रोफेसर के रूप में जाने जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ नावल जो है वो तो मैं छुट्टियों में संडे को लिख देता हूँ ये कोई मजाक मत समझना इट्स नॉट ए जोक जोक मने मजाक इट्स नॉट अ जोक ये कोई मज़ाक नहीं है आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक conferences एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ pen pals एंड राइटर मैं विद्वत्ता से भरे हुई जो गोष्ठियाँ होती हैं कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पूर्वक बातें होती हैं विद्वत्ता से भरी बातें होती हैं मैं उसे अटेंड करता हूँ मैं ये कोई दोस्ती यारी के क्लबों में पेन पैल्स के लोगों के पास या लेखकों के समूहों में नहीं जाता मैं क्योंकि मैं अपने को विद्वानों की कम्युनिटी से जोड़ता हूं बिकॉज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी तो एम्बर हैज वॉन्ट टू बी नोन मोर एज एकेडमिक मैन ए नॉवेलिस्ट बट अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड टेन टू सी हिम नो हिम मोर एज ए नॉवेलिस्ट बिकॉज ऑफ हिज वन फेमस नॉवेल द नेम ऑफ द रोज एम्बर फर्दर थे बट इट्स ओके ठीक है चलता है इफ़ मोस्ट ऑफ देम हैव ओनली नॉवेल्स चलता है यदि बहुत से लोगों ने अधिकतर लोगों ने मेरा केवल उपन्यास लिखा है उपन्यास पढ़ा है और ऐसा कहते हुए हंसता है चलता है आई नो दैट माई राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस और ऐसा कहते हुए हंसता है और फिर कहता है अम्बर्टो कि मुझे मालूम है कि जब मैं नॉवेल लिखता हूं या कोई भी लिखता है तो वो ज्यादा बड़े लोगों के पास जाता है लार्जर ऑडियंस ऑडियंस मतलब श्रोता पढ़ने वाले पाठक तो जब मैं उपन्यास लिखता हूं तो मेरे उपन्यास ज्यादा पाठकों के पास जाते हैं और मैं ये उम्मीद ही नहीं कर सकता कि मेरे वन मिलियन रीडर्स जो हैं वो मेरी सेमियोटिक्स uh, की या मेरे मेडिवल हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे क्योंकि ये सीरियस रीडिंग है और सीरियस रीडिंग करने वालों की संख्या कम है सो अंबर टू से आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच टू ए बिगर क्राउड बिगर नंबर ऑफ पीपल एंड आई नॉट एक्सपेक्ट दैट नंबर of people reading my serious books on semantics.